नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद ना जाने कितने ही हिंदुस्तानी आज भी वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें कुछ वो हैं जो गलती से सरहद पार कर गए और उन्हें जासूस बताकर पड़ोसी मुल्क ने जेल में डाल दिया। पाकिस्तान की जेलों में कुछ भारतीय सैनिक भी बंद हैं जो भारत पाक युद्ध के दौरान सरहद पार युद्ध बंदी बना दिए गए। इन्हीं में से एक हैं बलविंदर सिंह, जो सेना के रिकॉर्ड में शहीद हो चुके हैं। लेकिन 45 साल बाद बलविंदर सिंह के जिंदा होने की खबर से उनके परिवार में खुशी की लहर है। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल से रिहा होकर आए एक कैदी ने खुलासा किया कि बलविंदर सिंह पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में ही बंद हैं। इसी को लेकर बलविंदर सिंह के परिवार ने अब सरकार से उनकी वतन वापसी की गुहार लगाई है। इससे पहले भी बलविंदर सिंह की बेटी केंद्र सरकार को एक खत लिख चुकी हैं। जी हाँ, इस परिवार की आंखों में बस यही आस और सवाल है कि घर कब आओगे। इंतजार करते करते आंखें पथरा गई, मगर इंतजार है कि खत्म ही नहीं होता। ये परिवार है 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में शहीद माने जाने वाले सैनिक बलविंदर सिंह का। जब बलविंदर के युद्ध में शहीद होने का तार मिला तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर 45 साल बाद एक ऐसी खबर आई जिसने उनकी जिंदगी में फिर से खुशी के रंग भर दिए। खबर थी बलविंदर के जिंदा होने की। बलविंदर की बेटी बलजिंदर कौर के मुताबिक वो देश की सबसे बदनसीब बेटी है, जिसके पैदा होने के बाद ही उनके पिता के शहीद होने की खबर आई। उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चलता अगर पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आए कैदियों ने उन्हें ना बताया होता कि उनके पिता जिंदा हैं और वो पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद हैं। अब बलजिंदर कौर ने विदेश मंत्रालय से लेकर स्थानीय प्रशासन तक को पत्र लिखकर बलविंदर सिंह को भारत वापस लाने की अपील की है। जदों ही पाकिस्तान तो छुट के अपने भारतीय कैदी आते सी, मैं ते मेरी मम्मी उदों ही पाकिस्तान बाघा बार्डर ते जांदे सी, पर जदों पापा नहीं आते फिर वापस आ जाते। हुण मैनू 2 मई नू पता लग्या कि मैनू किसी ने कहा कि तुसीं सरजीत सिंह दे परिवार नू मिलो, वो तुहानू दसणगे। सरजीत सिंह पापा दे नाल रहिंदे हुंदे सी, उहनां दा नाम लैंदे हुंदे सी। मैं उहनां दे पिंड गई, उत्थे जा के जदों उहनां नू मिली तां उहनां ने मैनू कन्फर्म करता कि बलविंदर सिंह जिउंदा तो पाकिस्तान दे विच बंदा। मैं 10 दिन हो गए, मैं सारिया सरकारां अगे अपील करदी पई हां कि मेरी हैल्प कीती जावे। मेरे पापा कोई आम इंसान नहीं ही, वो एक देश दा सिपाही सी। बलविंदर की बेटी बलजिंदर का जन्म पिता के शहीद होने की खबर मिलने के बाद हुआ। जब भी पाकिस्तान की ओर से भारतीय कैदियों को रिहा करने की बात कही जाती तो वो अपनी माँ हरबंस कौर को लेकर अटारी बॉर्डर पर चली जाती। इस बार जब उन्हें पता चला कि उनके पिता पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, तब उनके गांव के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। बलविंदर सिंह की पत्नी हरबंस कौर के मुताबिक पति बलविंदर सिख रेजिमेंट में सिपाही थे। 1971 में भारत पाक जंग में उन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया। इसके बाद सिख रेजिमेंट से उन्हें खत मिला जिसमें लिखा था, बलविंदर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। ਉੱਥੋਂ ਪੂਨੇ ਸੀ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੂਨੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜੂਨ ਟਾਈ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਰ ਹੀ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਿਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਦਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਮਗਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। बलविंदर के जिंदा होने की खबर से गांव चब्बा कला के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गांव के सरपंच बलकार सिंह ने परिवार को भरोसा दिया है कि वो अपने गांव के लोगों को साथ लेकर बलविंदर सिंह को पाकिस्तान की जेल से लाने की हर संभव कोशिश करेंगे। 45 बरसों से उम्मीदों और आस के सहारे अपनी जिंदगी काट रही बलविंदर की पत्नी
हरबंस कौर की आंखें आज भी गाहे बगाहे छलक जाती हैं, मगर हरबंस कौर ने कभी आस नहीं छोड़ी और आज बलविंदर के जिंदा होने की खबर ने उनकी उम्मीदों को और ताकत दे दी है। अब बस हरबंस कौर और उनके परिवार को इंतजार है बलविंदर की घर वापसी का। MH1 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरन तारण से मनविंदर मिलाप की रिपोर्ट। बिल्कुल, 45 साल बाद अगर पता चले कि जिसकी याद के सहारे आप अभी तक जी रहे थे वो दरअसल ज़िंदा है, तो आप पर क्या बीतेगी। हमारे साथ हरबंस कौर जी भी मौजूद हैं, बलविंदर जी की पत्नी हैं, साथ ही उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद हैं बलजिंदर, जिन्होंने प्रधानमंत्री को एक बहुत ही मार्मिक खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपकी माँ आपके साथ आपसे 2 साल बाद मिली तो आपको कैसा लगा, आप मेरी सोचिए, मैं तो अपने पिता को देख भी नहीं पाई। आपके पास हरबंस जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कब आपको ये सूचना दी गई कि बलविंदर जी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। हरबंस जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं। हाँ जी, संते इतना ही तार आई सी जी, पीछे शहीद हो गए हैं जी, कावां रोली पा के ये हुई है, रोत हो गए बह गए असि जी, और मगर जा नहीं सके ना, कोई सानू डिड बुड्डी आई ना फोली आए, अजे ताई भी यकीन नहीं आउंदा पीछे हो गए। कोई भी खबर नहीं गई आपके नहीं पास, सिर्फ ये तार आया कि वो शहीद हो गए। हाँ जी, अजे ताई भी सानू यकीन नहीं आउंदा शहीद हो गए। परिवार की तरफ से कोई गया वहां पर पता लगाने के लिए, सेना ने किसी तरह की कोई जानकारी दी आपको? हाँ, मेरे पिता मेरे सौरा गए ही हो तक्के तुक्के खा के आ गए, कोई पता नहीं, वो भी अनपढ़ सके, पढ़े लिखे होंगे तो कोई मगर जानता, कोई मुड़के पैरवाई नहीं की गई साढ़े को गरीबी दे। अब जब पता चला है तब आप लोगों ने किस किस से संपर्क किया है? अब जब आपको ये पता चला है कि वो जिंदा है, कोट लखपत जेल में है, ये होने ही पता लगा सानू जी। हाँ जी, ये बेटी नहीं पता लाया, इन्हें कदम उठाया वा, ये हो ही करूँगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना मैं तुम जी। बलजिंदर, आपका कहना है कि आप हमेशा अटारी बॉर्डर पे जाती थी, जब भी पता चलता था कि जो कैदी हैं उन्हें रिहा किया गया है, वहाँ जाती थी, मायूस लौट कर आती थी। बचपन जो है, जिस तरह से आप अभी तस्वीर को देखकर अपने पिता की रो रही हैं, बचपन भी इन्हीं तस्वीरों के सहारे बीता। अब जब पता है कि पिता जीवित हैं, क्या कुछ कर रही हैं? आपने खत भी लिखा है प्रधानमंत्री को, क्या कुछ उसमें लिखा है आपने? मैंने प्रधानमंत्री जी को, मैं तो चोली हट के दरखास्त कर दी है उन्होंने के तुहाडी माँ तुहानू मिलन 2 साल बाद आई, तो तुहानू किन्ना चंगा लग्या, तुसी अपनी माँ दे नाल ही रहे, उन्हें दिन कुछ नहीं कीता, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी चोली दे विच भी कहर पा दो, मेरे पापा नू वापस लिया दो, मैं किसे कोलों किसे किस्म दी होर कोई मंग नहीं करदी, मैनू सिर्फ मेरा पापा चाहिए वा, क्योंकि मैं पहला ही समझती कि मैं बहुत बदनसीब हाँ, जिन्हें आने तो पहले ही मेरे पापा इस दुनिया तो चले गए, पर हूँ मैं इंज सोचती हाँ कि मैं बहुत चंगे कर्म किए, मैं अपने पापा नू वापस लेके आऊंगी, उन्होंने तो पता भी नहीं होगा कि उन्होंने घर एक धी ने जन्म लिया सी। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है जब इस तरह की जो तकलीफें हैं वो सामने आती हैं। बेटी को पिता के बगैर ही अपना इतनी दूर जिंदगी जो है वो बितानी पड़ी, लेकिन अब पता चला है कि पिता जो है वो जीवित है। आपसे भी जानना चाहूँगी हरबंस जी, शहीद होने की खबर मिली तब तक बलजिंदर दुनिया में भी नहीं आई थी, कितनी मुश्किल रही तब से जिंदगी, कैसे पाला पोसा? मुश्किल ही रही है जी, मुश्किल ही रही, बहुत ज्यादा मुश्किल रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल रही है, मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं तो गल नहीं दी। अक्सर कहा जाता है शहीद का सम्मान हमारे दिलों में है, और हर तरह से कहा जाता है कि जो हमारी बॉर्डर की, हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहा है, जब इस तरह का मामला सामने आता है बलजिंदर, क्या ऐसा लगता है कि जो सीमा की सुरक्षा कर रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? जैसे बोला जाता है, जैसे अपने नरेंद्र मोदी साहब जी ने थोड़ी देर पहले उनकी खबर आई थी, जब वन रैंक पेंशन की बात चली थी, तो उन्होंने बोला था कि ऊपर भगवान है तो नीचे जवान है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, अगर जवान नहीं हो तो हमारा देश सुरक्षा में नहीं रह सकता। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये भी एक जवान है, मेरे पापा भी एक जवान थे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को कबूल करो और मेरे पापा को हिंदुस्तान लाने की कोशिश करो। बात करने की अभी तक कोशिश हुई है? किसी से बातचीत हो पाई है आपकी अभी तक?
क्या विधायक जो है वो आपसे मिलने पहुंचे हैं? जिस तरह से आपने बताया सरपंच जो है वो आप मदद के हाथ जो है वो बढ़ रहे हैं, सरपंच भी कह रहे हैं कि आपकी हर तरह की मदद करेंगे, और भी लोग आगे आए हैं आपकी मदद के लिए? जी हाँ, मेरे गांव के सभी लोग मेरे साथ हैं, सरपंच जी मेरे साथ आए हैं, वो यहाँ ही आए थे। हमारे हलके के जो विधायक है अरविंदर सिंह ब्रह्मपुरा साहब, वो भी कल आए थे। उन्होंने भी मेरे को पूर्ण विश्वास दिलाया कि मैं सीएम से बात करूंगा, एमपी से बात करूंगा, पूरा भरोसा दवा के गया मेरे को। वो उन्होंने बोला कि आप मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे पापा को इधर लाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं सरकार के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, सिर्फ कोशिश मत करिए, मेरे को मेरा पापा ला के दिए। हरबंस जी, बेटी हुई है ये नहीं पता उन्हें, जिस तरह से बलजिंदर भी बता रही, क्योंकि आपको ही नहीं पता था कि वो अभी तक जिंदा हैं। अब जब पता लगा है, तमाम तरह की कोशिशें आप कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? जिस तरह से कोशिशें आप कर रही हैं, आप क्या अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहेंगी? बेटी ने करना, मैं तो घर ही बहन जोगी है, कितने जान जोगी नहीं है। कोशिश तो आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो कुछ तो इतना किया जा सकती है, उतना नहीं मैं कुछ कर सकती इनने। जी बलजिंदर, आपने बताया कि लगातार आप अटारी बॉर्डर जाती थी जब पता चलता था कि कैदी जो हैं वो रिहा किए गए हैं, और इस दौरान आप एक बार शहीदी समागम जो यहाँ पर किया गया था भीके विंड में बरसी पर सरबजीत की, वहाँ आप सुरजीत से मिली थी, सुरजीत सिंह जी से मिली थी जो पाक कैदी रह चुके हैं, वहाँ से वापस आए हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया आपको? नहीं, मैं सरजीत सिंह से नहीं मिली थी। मुझे वहाँ से जो पाकिस्तान से कैदी आए थे उन्होंने मेरे को बताया था कि आप सरजीत सिंह से बात करो, उनके परिवार से बात करो, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये भी मैं समझती हूँ कि ये भी मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनको जीते जी मिल नहीं सकी। फिर भी जब मुझे वहाँ बताया गया तो मैं अगले दिन ही उनके परिवार को मिलने उनके पिंड पहुँची। जब मैं वहाँ गई तो उनकी मिसिज ने, उनकी बहू ने, सभी ने मेरे को बताया कि आप रहो मत, आपके पापा जिंदा हैं और पाकिस्तान की जेल में बांधे हैं। उन्होंने बोला कि आपके पापा ने आपका, उनका जो आर्मी नंबर था वो भी बताया था कि मेरा जो आर्मी नंबर है 33805 है। अगर ऐसे तो लगेगा कि बलविंदर सिंह बहुत हैं वहाँ पर, लेकिन आर्मी नंबर तो एक ही होता है। जब उन्होंने मेरे पापा का आर्मी नंबर बताया तो तब मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे पापा जिंदा हैं। तो मैं भगवान के आगे भी और मीडिया वाले के आगे भी, क्योंकि अगर मीडिया ना हो तो किसी की भी आवाज़ किसी के कानों तक कभी नहीं पहुंच सकती। मैं MH1 न्यूज़ चैनल का भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरे को यहां बुलाया, और सब लोग मेरे को सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि इस बेटी को पापा जरूर चाहिए। हर एक बच्चे को अपना माँ बाप है ना, वो जरूर चाहिए होता है। जी बलजिंदर, आप हमें बता रही थी कि किस तरह से सुरजीत जो थे वो लगातार आपके पिता के बारे में बात करते थे, 6 बारी आपने बताया वो मिले थे उनसे और उनके बारे में बात करते थे, बताते कि किस तरह के वो इंसान हैं, उस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वो बातें आपको बताती हैं कि आपके पिता की शख्सियत क्या है, किस तरह के वो इंसान है, क्या कुछ बताया उन्होंने? उन्होंने अपने पर, वो उनका परिवार बोलता कि वो जब भी बैठते थे तो बलविंदर सिंह के बारे में बात करते थे। वो बोलते थे कि वो मेरे को सिर्फ 6 बार ही मिला 34 साल में, तो इंसान ऐसा है कि मैं अगर उसको इधर ले आऊँ तो एक एक गुरुद्वारा बना लो और एक बलविंदर को वापस ले आओ, एक एक समाने होगा। उन्होंने बार बार अपने परिवार से बोला था कि अगर मैं बलविंदर सिंह को इंडिया वापस ले आऊँगा तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं होगी। तो जब मैंने उनसे सुना तो तब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कब मैं अपने पापा को मिलूँगी, कब मैं उनको देखूँगी, तो कब मैं उनको गले से लगाऊँगी, कब मेरे पापा मेरे से प्यार करेंगे और मैं अपने पापा को पापा कह के बुलाऊंगी। ये एक बेटी का दुख है और बेटी अपने पिता को वापस लाने की गुहार लगा रही है। प्रधानमंत्री को एक खत भी लिख चुकी है जहां उसने गुहार लगाई है कि उसके पिता से वो मिलना चाहती है, वीज़ा जल्द से जल्द दिया जाए। और क्या कुछ यादें हैं, किस तरह से याद करती हैं उनकी पत्नी उन्हें, ये भी जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ना हक बनना बस।